भाई साहब मैं मेघालय आया था, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया हूँ। ये लोग क्या बोल रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रहा है। ये आधा इबाजोक अंगा आधा को सलाम खाना पे मन जा बिखो अंगा नमी रमचाक सुना पे मन जा दिवे गिशी खातों मक चांगा रमचाक सुना आधा को यांग ने आधा बताओ यार क्या बोला इन्होंने, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ फंस गया रे बाबा। नमस्ते। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अरे कल की रात यहाँ गुजरी थी भाई, इस जगह पे मैंने अपना टेंट लगाया हुआ था, सारा सामान उठा के गाड़ी में पैक कर लिया है और ये एक पेट्रोल पंप था भाई। अपनी राइड स्टार्ट करते, राइड स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको अपना आज का रूट मैप बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैं मेघालय पहुंचूंगा और मेघालय में सबसे पहले मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो भाई ये है हमारा आज का रूट मैप। बीच में नदी देख रहे हो, इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। ये रिवर क्रॉस करके हम लोग मेघालय में घुसेंगे। मेघालय स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। कल हम लोग निकले थे जोगीपारा से, जोगीपारा से हमने ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करी थी, फिर पंचतंत्रा पहुंचे थे, फिर आगिया पहुंच के हम तुक्कुर पहुंचे थे। आपको यहीं पे कहीं पे हमने पेट्रोल पंप पे टेंट लगा लिया था। यहाँ से निकलूंगा तुर्रा। तुर्रा यहाँ पे ना एक जगह है, काफी फेमस जगह है यार। मेरे को काफी लोगों ने बोल दिया कि भाई आप तुर्रा जाओ, तुर्रा के आसपास में काफी जगह है घूमने के लिए। तो मैं तुर्रा जा रहा हूँ, फिर तुर्रा से ना मैं गोल्डेंगिरी करके यहाँ पे ट्राइबल विलेज है, वहाँ पे मुझे मेघालय का कल्चर देखने को मिलेगा। और ये जो जगह है ना तुर्रा, इसको भाई साहब बोलते हैं गारो हिल्स। मेघालय वैसे ना तीन हिल्स में डिवाइड है। एक है भाई गारो हिल्स, एक है खासी हिल्स, एक है जयंता हिल्स। तो सबसे पहले हम गारो हिल को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम खासी हिल्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम जयंता को एक्सप्लोर करेंगे। खासी हिल और जयंता का ना जो कल्चर है थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, और गारो हिल्स का थोड़ा सा कल्चर अलग है। हेलो जी, तो भाई साहब बहुत तेज ना धूप हो रही थी, बहुत देर में बाइक चला रहा था, अभी जस्ट रुका हूँ, मैं एक दुकान के आगे ऐसे बैठा हुआ था। और ये है साउथ गारो हिल, साउथ की नॉर्थ, ये साउथ गारो हिल है और अनुग्रही करके ये जगह है जहाँ पे मैं रुका हूँ। और भैया बैठे थे, ये वैसे आसाम के हैं, तो हम बात कर रहे थे, तो कुछ मैं पूछ रहा था इनसे, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे ना होटल्स वगैरह इतने आपको नहीं मिलेंगे हाईवेज पे या रोडों पे, होटल नहीं मिलेंगे। बस ये शिलोंग जो इनका कैपिटल है वहाँ पे, या तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ तुर्रा, वहाँ पे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो तुर्रा में वैसे तो मेरा प्लान है तुर्रा जाने का, बाकी अगर तुर्रा पहुंच पाते हैं तो, क्योंकि अगर ऐसी धूप रहेगी तो मैं कम कम ही चलूंगा, क्योंकि ना बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखना है, तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, पानी पीते पीते चलेंगे, क्योंकि यहाँ की धूप भाई साहब बहुत गंदी है। रात के टाइम तो मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन दिन के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो चलना थोड़ा मुश्किल है ना भाई साहब। आप किधर के हो? आप गारो? गारो, अच्छा। आप क्या लैंग्वेज बोलते हो? गारो लैंग्वेज। कुछ बोल के बताना मेरे से, कुछ पूछो अपनी लैंग्वेज में। बानू ने रिबा, कहाँ से आया? दिल्ली। ये तो हिंदी होगी, कहाँ से आया? नहीं नहीं, गारो में बानू ने रिबा। बानू? बानू ने रिबा। बानू ने रिबा। यार यू कम टू हियर? ओ, फ्रॉम हियर यू कम टू हियर? ओके, बानू ने रिबा। रिबा, ओके। कहाँ जाएगा? बाची रिगेन। बाची रिगेन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पूरा। हां ठीक है। और किसी को नाम पूछना है तो कैसे पूछते हैं? नाम को माई बीमुंगा। तुम्हारा नाम क्या है? नांगी बीमुंग माई। नांगी बिंगबिंग माई। बीमुंग माई। बिंगबिंग माई। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? बीमुंग। बीमुंग माई। माई बिंगुंग माई। बीमुंग। 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 बीमन। बीमुंग। बीमुंग। व्हाट इज योर नेम? दैट मींस नांगी बीमुंग माई। नांगी बिंगबिंग माई। बीमुंग माई। बीमुंग माई। मिछाजो। मिछाजो। खाना खाए? खाना खाए। भाई साहब मैं सीख तो रहा हूँ और ऊपर से जा रही है। कुछ टिक नहीं रहा है यहाँ पे। घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए मेघालय। देखने के लिए कैसा है आपका मेघालय? बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा जगह है। टूरिस्ट स्पॉट नहीं देखने, मेरे को यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग वो देखना। कल्चर देखने से तो नवंबर सेकंड वीक में आने से अच्छा था। अभी कुछ नहीं देखेगा। वन गला है ना? हाँ, ट्रेडिशनल वन गला है। वन गला? वन गला यहाँ पे वन गला है ना, वो है ट्रेडिशनल हमारा, वो फेस्टिवल हमारा नवंबर सेकंड वीक एवरी ईयर। ओके, तो चलो भाई बहुत देर आराम कर लिया यहाँ पे, अब थोड़ा हमको आगे निकलना चाहिए।
ठीक है, और बाकी थोड़ी थोड़ी आपको गारे लैंग्वेज भी सिखाएंगे और हम भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैं हम मेघालय में तकरीबन 10 दिन। जंजाल, तो भाई जी थोड़ा सा और आगे आए, और वो जो दुभाइयों ने मेरे को वो लोकल लैंग्वेज सिखाई थी ना, मैंने ट्राई करी यहाँ पे लेकिन किसी का समझ नहीं आई, या तो मैं भूल गया या मैंने गलत तरीके से बोला। कोई बात नहीं, यहाँ पे रुका हुआ ना, मैं एक दुकान पे रुका था कुछ खाने के लिए, मैं कहा कि यहाँ पे कुछ लोकल्स लोगों से बात भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं एक ही जो दुकान वाले, उनको आती थोड़ी बहुत हिंदी, बाकी लोकल्स को यहाँ पे हिंदी नहीं आती। तो यहाँ पे हमने एक परांठा लिया है, दाल ली है और चाय लिया, थोड़ी सी भूख लग रही थी, थोड़ा थोड़ा खाते खाते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा लोगों से बात कर पाए, इसी बहाने बात हो जाती। नाम भूल गया, नाम इनित शेख मारा, इनित दिनित, इनित दिनित, DINITH दिनित, दिनित CH मरा दिनित CH मरा। तो दिनित भाई का, भाई के हम लोग अभी घर पे आए हुए हैं, तो भाई मेरे को घर पे लेके आए कि मेरे घर चलो रसना पियेंगे और कॉफ चाय पानी पियेंगे, मेरा चाय तो नहीं, कह रहे पानी पीना, मेरे घर चलो, और शायद घर में इनके फ्रिज भी नहीं होगा, वो जैसे हम पुराने टाइम पे पड़ोसियों घर से मांग के लाते थे ना पानी ठंडा, तो दीदी गई वो पानी लेके आए हैं, ठंडा पानी मेरे को पिलाया, और भाई के घर में जो भी है ना भाई मेरे को ऑफर कर रहे हैं, भाई ने मेरे को पान के लिए भी बोला, भाई दारू के लिए पूछ रहे हैं दारू पियोगे, मतलब वही है ना कि यार अब मेरे आजू बाजू देखो, ठीक है दिल बड़ा होना चाहिए, बोलते हैं ना दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, तो गाँव के लोगों का है यार, आप कहीं भी चले जाओ हर जगह ना आपको लोग ऐसे इनोसेंट मिलेंगे, है ना। मासी जा नहीं मालूम, मासी जा मतलब मेरे को नहीं मालूम तुम क्या बोल रहे हो, मैं इनको कुछ भी ऐसी बात करता हूँ तो ये मासी जा बोलते हैं। दीदी इनकी वाइफ, आपका नाम क्या है? रोहा लिंची सांगमा। ओके, बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे सबका। अच्छा सरनेम साथ में बोलते होंगे, मिडल नेम और सरनेम, है ना। भाई ने मेरे को कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे अपनी लैंग्वेज में, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये देखो। थैंक यू, धन्यवाद। नानी विमन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विकास। कोई मेरे को आजकल पूछता ना टूरिस्ट, में ट्रैवलर बताता हूँ। तो भाई जी जहाँ मेरी बाइक खड़ी थी ना, मैं अभी वहाँ पे आ गया हूँ, और वैसे तो भैया जी बोल रहे ना कि आप मेरे घर चलो वहाँ पे कैंप कर लो, लेकिन मेरे को सारा सामान वहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कैंप कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। तो जिनका ये घर है मैंने उनको पूछा कैंप के लिए, भैया ने भी पूछा, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप रह सकते हो, लेकिन ना हमारे गाँव का एक चीफ होता है जिसे मुखिया बोलते हैं, यहाँ पे नुकमा बोलते हैं गारो लैंग्वेज में, तो उनको एक बार पूछना पड़ेगा, वो बोलेंगे तभी हम यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि वो ही सारी परमिशन वगैरह देते हैं ऐसे गांव की जो भी कुछ होता है, तो ये लोग जो भी कुछ करना होता है पूछना होता है उन्हीं से पूछ के करते हैं। तो अभी उन्हीं को फोन कर रहे हैं और उनसे फोन करके पूछेंगे, अगर वो अलाउ करते हैं तो हम यहाँ पे रहेंगे, वरना हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे जिनके घर में आए हैं उन्होंने हमारे लिए भाई चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह ला के दिए, लोग अच्छे हैं भाई यहाँ के। भाई साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा जो पीछे से मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कुछ नहीं पता कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साउंड कर रहे हैं, है ना। मासी जा लोगों ने ना नुकमा जी को फोन किया था, लेकिन नुकमा जी का शायद फोन नहीं लग रहा है, तो अब एक काम करें ना भैया मेरे को नुकमा जी के घर लेके जा रहे हैं, तो अब उनसे घर पे जाके हम लोग परमिशन लेंगे, ठीक है, कि हम रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते। भाई साहब अगर अब मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मेरे पे ना जाने के लिए जगह ना रहने के लिए जगह, फिर तो मासी जा अच्छा।
भाई जी हम लोग ना नुकमा जी के घर में आ गए हैं और ये जो बैठे हैं ना ये नुकमा जी के सन है। नुकमा जी अभी अंदर सो रहे हैं। नुकमा जी सो रहे हैं। नुकमा ओके नुकमा नुकमा सन ओके ये नुकमा ओके नुकमा सन। तो इनसे हमने परमिशन ले लिया और इन्होंने हमको परमिशन दे दी कि हम लोग गांव में रुक सकते हैं। इन्होंने मेरे से पूछा कि आपके आने की वजह क्या, आप क्यों आए हो, तो मैंने सब कुछ बता दिया। इन्होंने मेरी आईडी कार्ड वगैरह चेक किया, मैंने अपनी आईडी कार्ड सब इनको दिखा दी। तो उन्होंने कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद इन्होंने परमिशन दे दिया। थैंक यू। तो भाई जी नुकमा जी के घर से परमिशन लेके ना हम भाई जी के घर पे वापस आ गए। भाई जी मेरे को अपने घर पे ले आए, कह रहे कि आप हमारे घर चलो। और बाइक भी यहीं आ गई मेरे पीछे और मेरा टेंट भी लग चुका है, देख रहे हो पीछे टेंट भी लग चुका है। अभी भाई कह रहे हैं मेरे से कि आप ना जाके नहा लो, आपको बहुत पसीने वसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर एक टंकी लगी हुई है जिसमें ठंडा पानी आ रहा है, तो वहाँ चल रहे नहाने के लिए। ठीक भाई सब नहा लिया मैं, अब थोड़ी राहत है, बहुत ज़्यादा पसीना और गर्मी हो रही थी। भाई मैंने टी शर्ट वगैरह भी चेंज कर लिए, अब थोड़ी ना अभी हवा भी थोड़ी ठंडी लग रही है, उस टाइम तक तो हवा भी गर्म लग रही थी। भाई जी हमारे लिए डिनर भी ना भैया जी ने बनवा दिया अपने घर में, और चावल आलू सब्जी ऑमलेट सब, और भाई सब बहुत कुछ, इतना सारा क्यों बना दिया आपने भाई साहब? पूरी खातिरदारी वाला हिसाब किताब, जैसे घर में कोई मेहमान आता है ना उसके लिए बनता है, वैसा ही हिसाब किताब से इन्होंने पूरा खाना बनाया भाई। चलो खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने खाना ले लिया, तो बहुत दिनों बाद मैं हाथ से खाना खा रहा हूँ, क्योंकि हाथ से खाने में मज़ा आता है भाई और ये सब्जी देख लो ना आप, ये कद्दू की सब्जी है पम्पकिन, और इसको गारो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया है, इसको नाखाम बोलते हैं। नाखाम भैया? नाखाम नखाम है, उसमें कद्दू की सब्जी में ड्राई फिश मिला रखी है, और ये भी आलू की कोई सब्जी है, ये भी ट्रेडिशनल गारो सब्जी है, और इधर आमलेट। चलो खाना खाते हैं। तो भाई जी अपने सारा सामान वामान पैक कर लिया, गाड़ी में लोड कर दिया, तो मेरे को थोड़ा सा प्रेशर बन रहा था, मैं फ्रेश होने के लिए आया। तो लेकिन ना यहाँ ना हर घर में टॉयलेट नहीं होता, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टॉयलेट बने हुए हैं, एक ही टॉयलेट है मतलब सभी घरों का, और ऐसा पूरा जंगल है यार। इसमें भाई कुंडी भी नहीं है, इसको पकड़ के बैठना लगा पड़ेगा, लग रहा है ऐसे ऐसे पकड़ के बैठना पड़ेगा, कोई बाहर से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब फ्रेश वगैरह हो गए हैं, सामान वगैरह सारा लोड हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा आपको ना ये गांव दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको मेघालय के गांव समझ में आ जाए, कैसा गांव है, कैसा लक्ष्यचाल है। और भाई एक चीज़ मैंने देखी कि हर घर वालों ने लगभग इसी तरीके से ना लकड़ियाँ वगैरह स्टोर करके रखी हुई हैं। ये शायद में जब बारिश वारिश ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उस टाइम पर सूखी लकड़ियाँ मिलती नहीं है, तो ये लोग अपने लकड़ियाँ इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। बहुत बड़ी सी जगह है भाई, और पूरे में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है भाई, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, तो ये इनके विंटर में और रेनी सीजन में काम आती होंगी। भाई साहब इस गांव में जो सबसे बड़ी फार्मिंग है ना वो भाई इसी की, कैश्यू नट की, काजू की, यहाँ पे ये लोग ये इसी की फार्मिंग करते हैं। और सुबह सुबह सारे लोग चले जाते हैं ऐसे टोकरी वोकरी लेने लेके जंगल में इनको बीनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और किसी के अपने नहीं ना, पर जंगली सबके है ना। हाँ तो जिसको जिसको जितना मिलता है वो लेके आते हैं, इस तरीके होते हैं कैश्यू नट। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे इसका जो बाहर का गूदा होता है ना उसको तो ये लोग फेंक देते हैं, बाकी और जगह पे तो इसका भी यूज़ किया जाता है, कई लोग इसकी वाइन बनाते हैं, कई लोग इसका जूस बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनती हैं, ये लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये लोग बस इसको फेंक देते हैं, इसके अंदर का एक बीज होता है इस तरीके से, एक बार निकालोगे बीज? ओ निकल भी गया, ऊपर ही होता है। अच्छा, और इस तरीके से ये लोग अपना इकट्ठा रखते हैं, इसको सुखाते हैं, और ये 85 रुपये किलो बिकता है, 85 रुपये किलो बिकता है। फिर आगे जाके इसको फ्राई किया जाता है या
बेक किया जाता है, उसके बाद फिर भून के इनको बेचा जाता है। 135-140 किलो बिकते हैं भाई साहब। और जब आपके घर में पहुंचता है काजू तो क्या रेट पहुंचता है मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। तो अभी कितना रुपए किलो मिलता है काजू? किलो हाँ, वो किलो? वाला जो पक जाता है, वाइट वाइट जो होता है अंदर का। आप तो 85 रुपए किलो बिक जाते हैं, वो शायद 400-500 रुपए किलो बिकता होगा। बताओ कमेंट बॉक्स में आपके शहर में काजू क्या रेट है। यहाँ तो ये 85 रुपए किलो बेच रहे हैं यहाँ से। किसी को चाहिए तो बताओ, लेके आता हूँ। तो भाई जी, हम लोग ना तुर्रा से निकल के ना छिबरागा करके ये जगह है, यहाँ पे आ गए। मैं एक जगह जा रहा हूँ, मेरे को किसी भाई ने बताई थी तुर्रा में ट्रेडिशनल कल्चर देखने के लिए गारो ट्राइब का। तो यहाँ पे बीच में रुका था एक जगह पे चाय पीने के लिए, और यहाँ पे ये पूरी उन्होंने बना रखी थी। पूरी तो नहीं भाई सब, ये तो भटूरा लग रहा है। ये पूरी है? पूरी, हेलो, पूरी है ये? हाँ। ये तो भटूरा लग रहा है। भटूरा, भटूरा पता है आपको? छोले भटूरे पता है? हाँ, तो ऐसा होता है भटूरा, पूरी तो छोटी होती है। तो भाई जी, सुबह हम लोग निकले थे गोंडेग्रीन जाने के लिए। गोंडेग्रीन ना मेरे को यहाँ पे लोकल्स ने बताया था कि एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको मेघालय का कल्चर, मेघालय का जो फूड होते हैं वो आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ के डांस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो गोंडेग्रीन के लिए मैं निकला था, गूगल मैप मैंने लगाया, मेरी लोकेशन से 50 किलोमीटर था, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना, अंधेरा हो चुका था पहुँचते पहुँचते, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे ना कोई गाँव नहीं था उस लोकेशन पे भाई साहब। मैं एक जंगल में जाके खड़ा था और अंधेरा हो चुका था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। थोड़ा सा उस लोकेशन से मैं बाहर आया, मतलब वहां के कुछ लोकल्स मेरे को मिले, उनकी मदद से मैं बाहर आया। तो बाहर आके फिर मेरे को फिर किसी ने बताया कि जो गोंडेग्री है ना, वो भी यहां से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। इतना अंधेरा हो चुका था ना भाई, मेरे बस की नहीं थी कि जाना कि 27 किलोमीटर मैं ड्राइव कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रोडों पे ना स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि रोडों पे ना लोग खड़े होते हैं, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, पता नहीं लगता है। तो भाई मेरा मन नहीं था कि मैं दोबारा से अब 27 किलोमीटर जाऊं। तो मेरे को कुछ लोकल्स लोग ना यहीं पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक थाना है, आप वहाँ पे चलो, आप वहाँ पे रुक सकते हो या आप उनसे हेल्प मांग लेना। तो मैं यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में आया, मैंने इनको अपनी सिचुएशन बताया कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। तो उन्होंने मेरे को परमिशन दी कि आप यहाँ पे रह सकते हो। पहले तो मैंने ना ग्राउंड में कैंप लगाया था, फिर उनके कुछ सीनियर्स हैं उन्होंने बोला कि आप यहाँ मत लगाओ, क्योंकि रात में ना बहुत भयंकर हवाएं चलती हैं, आप अंदर बैरिक में लगा लो, वहाँ पे आप सेफ रहोगे, हवाएं में लगेंगे, और यहाँ पे थोड़ा हाथी वाथी का भी सीन है, यहाँ पे जंगली हाथी भी होते हैं। तो मैं अंदर आ गया और मैंने अंदर कैंप लगा लिया। अभी खाने का देखते हैं, खाने का क्या करना है। मेरे पास ओट्स भी पड़े हैं, लेकिन ओट्स मेरा खाने का मन नहीं है, मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं, आज के लिए कर लेंगे, बहुत दिनों बाद मैं मैगी खा रहा हूँ, ठीक है। और कल फिर हम लोग निकलेंगे गोंडेग्री के लिए, क्योंकि जिस लोकेशन को देखने के लिए निकले हैं भाई, वहाँ चलना तो है, क्योंकि मैंने ना उस गांव की काफ़ी तारीफें सुनी है कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा विलेज है, और काफ़ी कुछ वहाँ पे ना मेघालय का देखने को मिलेगा। भाई हमारी आज की कैंपिंग लोकेशन, यहाँ पे मैंने अंदर टेंट लगाया हुआ है, अंदर जाके वीडियो नहीं बना रहा मैं, बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर लोग सो रहे हैं, तो बाहर से आपको दिखा देते हैं। तो भाई जी, मेरा सोने का तो थाने में ही हो गया ना, और खाने में भी ना जो पुलिस भाई सारे लोग अपना खाना बनाते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए भी बना दिया था, मतलब मेरे को भी इनवाइट कर लिया कि आप हमारे साथ ही खाना खा लो। तो बाकी मैं मतलब पर्सनल रीजन की वजह से मैं किसी को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, किसी की शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगा, बस अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा खाना हो गया, तो चावल है, चिकन है, और दाल है, देसी चिकन देसी चिकन है, और ये पुदीना की चटनी आ गई, और ये दाल भी है, दाल भी है। बाकी पुलिस वाले भाई है सारे लोग बहुत अच्छे हैं। तो भाई यही मतलब जो इस तरह का जो ट्रैवल है ना मेरे को पसंद है, इस तरह के जो एक्सपीरियंस है ना, जब नए नए लोगों से मिलते हैं तब बहुत मेरे को अच्छा लगता है। कल भी हम जिन लोगों के साथ में रुके थे बहुत अच्छे लोग थे यार, वो जो दो भैया भाभी थे बहुत अच्छे थे, और आज भी मेरे को इतने अच्छे लोग मिले।
मजा आ गया। ठीक है, बाकी अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना।